साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन तिथि में बदलाव। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र जारी। बिहार में अप्रैल के महीने में सूखी 40 नदियां। साइबर ठग ने ड्रग्स के नाम पर ठगी के लिए किया कॉल। गेंदबाज मयंक यादव ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन तिथि में बदलाव। बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा और स्क्रूटनी के आवेदन तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए 4 अप्रैल तक का समय दिया गया था, अब इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है। अपने अंकों से असंतुष्ट होने पर उत्तर पुस्तिका को स्क्रूटनी के लिए भेजा जा सकता है। इसके लिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट bacbinter.org या फिर biharboardonline.bihar.gov.in पर अप्लाई किया जा सकता है। 7 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रति विषय ₹120 के शुल्क का भुगतान करना होगा। अधिकतम 2 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी कंपार्टमेंटल की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। यूपी पुलिस ने बिहार में जाली स्टाम्प के धंधे का किया खुलासा। यूपी की गोरखपुर पुलिस ने बिहार के सिवान जिले में जाली स्टाम्प के धंधे का खुलासा किया है। ये जालसाज बिहार यूपी समेत कई प्रदेश की सरकार को चूना लगा रहे थे। पुलिस ने 2 सप्लायर और 5 वेंडरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जांच जारी है कि इन्होंने कितने रुपए का चूना लगाया। न्यायिक के साथ ही गैर न्यायिक 1,52,003 रुपए के जाली नोट को बरामद किया गया है। बताया जाता है कि सप्लायरों में 84 साल का मोहम्मद कमरुद्दीन और उसका नाती साहिब ज्यादा शामिल है। दोनों सिवान की मुफस्सिल नई बस्ती के निवासी है। कमरुद्दीन के नाती ने स्टाम्प के सिक्योरिटी फीचर पर आधारित एक कोर्स भी किया था। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र जारी। सेना अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा का 22 अप्रैल को आयोजन किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 3, दरभंगा और समस्तीपुर में 1-1 ऑनलाइन केंद्रों पर परीक्षा होगी। सेना ने अपनी वेबसाइट पर बहाली के लिए अभ्यास पत्र का सेट जारी किया है। मालूम हो कि बिहार के कई जिलों से 19,000 से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। मालूम हो कि सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। बिहार में अप्रैल के महीने में सूखी 40 नदियां। बिहार में अप्रैल के महीने में ही 40 नदियां सूख गई है। वहीं कई जिलों में पानी का स्तर 50% तक नीचे जा चुका है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी नदियां हैं जिसका पानी तेजी से खत्म हो रहा है। ये लोगों की चिंता का विषय बन चुका है। दिसंबर के बाद ही यहाँ कई नदियों में पानी कम होने लगता है और उसके बाद फरवरी से नदी सूखने लगती है। मालूम हो कि दक्षिण बिहार में 8 जिलों के 24 पंचायतों में पानी 50 फीट तक नीचे जा चुका है। वही नदियां भूजल स्तर को मेंटेन करने में काफी मददगार साबित होती है। वही नदियों के सूखने के साथ ही भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। साइबर ठग ने ड्रग्स के नाम पर ठगी के लिए किया कॉल। साइबर ठग लगातार ठगी का अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। इसी बीच राजधानी पटना के एक व्यक्ति को कंप्यूटर के माध्यम से कॉल आया। इसमें कहा गया कि आपके नंबर पर एक कुरियर था, इसमें ड्रग्स था, ये कैंसल हो चुका है। कस्टमर केयर पर बातचीत करने के लिए 2 नंबर दबाने के लिए कहा गया। 2 नंबर को दबाने के बाद फेक कस्टमर केयर पर ये कहा गया कि ऑनलाइन केस दर्ज कराएं। बातचीत के दौरान शख्स को जाली पार्सल नंबर भी दे दिया गया। एक ठग ने क्राइम का अधिकारी बनकर भी बातचीत की। ये प्रक्रिया करीब 1 घंटे तक चली। व्यक्ति के कितने बैंक में खाते हैं, साइबर अपराधी इस बात की भी जानकारी ले रहे थे। ठग ने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब पैसे देने की बात की गई तो व्यक्ति को शक हो गया। पैसे देने से इनकार करने के बाद ठग ने फोन को काट दिया और ठगी के नए तरीके ने सभी को हैरान कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल को फिर बुलाई कुलपतियों की बैठक। बिहार शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल को फिर कुलपतियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के 7 विश्वविद्यालय के कुलपति को आमंत्रित किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय
और पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल है, वहीं से पहले शिक्षा विभाग कुलपतियों की 5 मीटिंग को बुला चुका है। इसमें कुलपति शामिल नहीं हुए थे। मालूम है कि शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों के बैंक खाते पर रोक लगा दी गई है। बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम फेज पूरक परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण पूरक परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को तलब किया है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने धीरेन्द्र कुमार समेत बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस क्रम में कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर सरकार और बीपीएससी को जवाबी हलफनामा को दायर करने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है। कोर्ट को बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक के पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद तेजस्वी यादव की जमुई में सभा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमुई में चुनाव अभियान का आगाज कर रहे हैं। जमुई में वो आरजेडी के प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए वोट अपील करेंगे। श्री कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम मैदान में महागठबंधन की पहली चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ और इसमें तेजस्वी यादव के साथ ही कई अन्य घटक दलों के नेता शामिल होंगे। पूर्व विधायक और आरजेडी नेता विजय प्रकाश दास ने इसे लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव की रैली में भारी भीड़ जुटेगी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिला नया चुनाव चिन्ह। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को नया चुनाव चिन्ह मिल गया है। विकासशील पार्टी के प्रत्याशी अब नाव की जगह लेडीज पर्स सिंबल पर चुनाव मैदान में होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह के साथ वीआईपी के प्रत्याशी 3 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले वीआईपी ने महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वीआईपी को राजद कोटे की 3 सीट गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी देने की घोषणा की गई है। भाजपा ने चुनाव आयोग से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शिकायत की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से लालू यादव की बेटी और सारण से लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की शिकायत की है। भाजपा के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल कर रही है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। रोहिणी आचार्य के बारे में यह भी कहा गया है कि वो अपनी मां के सुरक्षा कवर और एक्सकोट का दुरुपयोग करते हुए पाई गई है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात की पुष्टि होती है। राजद के प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सारण के जिला निर्वाचन से शिकायत की है। बिहार में AIMIM के चुनाव लड़ने को लेकर अख्तरुल इमान ने दी जानकारी। बिहार में AIMIM के चुनाव लड़ने पर अख्तरुल इमान ने ABP न्यूज को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका सीमांचल में हम लोग मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें किशनगंज और अररिया की सीट शामिल है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि वो किशनगंज के लोकसभा सीट से खुद प्रत्याशी है। सीमांचल के पूर्णिया और कटिहार में AIM पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अख्तरुल इमान ने कहा है कि काराकाट, दरभंगा, उजियारपुर, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में भी AIM चुनाव लड़ेगी। अन्य सीटों को लेकर जल्द ही आगे ऐलान किया जाएगा। सीमांचल की केवल 2 सीटों पर AIMIM के चुनाव लड़ने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर दिया अपडेट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बची हुई 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। जदयू को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बहुत दिनों तक चलने वाली पार्टी नहीं है। सन्नी हजारी के पिता बिहार सरकार में मंत्री है, वह भी इस बात को जानते हैं। अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस लेने की अपील की है। वहीं इस दौरान मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कहा है कि 2 बार सांसद रहने के बाद भी भाजपा ने बिना कारण बताए ही टिकट काट दिया। मंत्री महेश्वर हजारी ने बेटे के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर दी प्रतिक्रिया। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने बेटे के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी जदयू और नेता नीतीश कुमार के साथ है। पार्टी ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी और वो इसे अच्छे से निभाएंगे। वहीं बेटे के कांग्रेस में शामिल होने पर महेश्वर हजारी ने कहा है कि मेरे बेटे के इस राजनीतिक फैसले से
मेरा कोई लेना देना नहीं है, बेटे सन्नी अब बड़े हो चुके हैं और वो खुद अपना फैसला लेना जानते हैं, वो खुद ही अपना सियासी करियर तय करेंगे। मालूम हो कि सन्नी हजारे के कांग्रेस में शामिल होने को एक बड़े सियासी खेल के रूप में देखा जा रहा है। जदयू ने परिवारवाद को लेकर राजद पर साधा निशाना। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार के 12 सदस्यों में से 6 का राजनीति में जुगाड़ हो चुका है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती 6 लोग राजनीति में आ चुके हैं। बाकी 6 यानी कि चंदा यादव, रागनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का यादव, राज लक्ष्मी, राजश्री प्रतीक्षा सूची में है। बिहार कांग्रेस को 6 उम्मीदवार ढूंढने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, घर में ही उम्मीदवार है और पूरे शहर में ढिंडोरा पीटा जा रहा है। नीरज कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की खोज लालू यादव के घर पर खत्म होगी। गेंदबाज मयंक यादव ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर कही ये बात। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने दैनिक जागरण को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट में खूब लंबा खेलना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने शरीर को फिट रखने का भी प्रयास करते हैं। मयंक यादव कहते हैं कि लाल गेंद उन्हें खूब पसंद है। मालूम हो कि मयंक यादव ने आईपीएल 2024 में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इन्होंने 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंदबाजी की। जानकारी के अनुसार मयंक का क्रिकेट करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी और गति से लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुनर शर्मा, पवन सिंह, नवल किशोर झा, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांटी, नौशाद राजा, मोहम्मद शकीर हुसैन, राजेश मांझी, गीता कुमारी, राकेश मिश्रा, मोहम्मद अरमान, अविनाश कुमार, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपसे कभी ठगी की कोशिश हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।